ताइवान के खिलाफ चीन की ड्रोन वाली साजिश क्या है, ताइवान स्ट्रेट का मौजूदा हालात, टीवी 9 के कैमरे में हुए कैद और वहां के हालात इस वक्त कैसे हैं बताएंगे आपको, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को बड़ी राहत कैसे मिली है और क्या पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ को पूर्व पीएम नवाज शरीफ चुनेंगे, खबरों का अपडेट, टॉप 9 दुश्मन चीन पाकिस्तान। चीन ताइवान टेंशन के बीच टीवी 9 की टीम ताइवान स्ट्रेट पहुंची। ताइपे से करीब 500 किलोमीटर दूर मौजूद आइलैंड को लेकर चीन और ताइवान में पिछले 70 साल से तनाव जारी है। ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मात्सु द्वीप पर कुल 18 आइलैंड हैं, जहां ताइवान के जंगी बेड़े हर वक्त चीन की नौसेना पर नजर बनाए रखते हैं। ये फ्रंट लाइन है जो सबसे पहले अगर चाइना ताइवान में घुसने की कोशिश करेगा तो इसी फ्रंट लाइन पर उसका सामना ताइवानी सैनिकों से होगा, कोस्ट गार्ड से होगा, नेवी से होगा। ताइवान पर नजर बनाए रखने और दबाव बनाने के लिए चीन अब आधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। ताइवान के इलाके में गिनजो WZ-7 ड्रोन ने घुसपैठ की। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये ड्रोन जासूसी करने के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए डेटा इकट्ठा भी कर सकता है। ताइवान के खिलाफ चीन लगातार ऐसे ड्रोन्स के जरिए डाटा इकट्ठा करने की कोशिशों में जुटा है। ताइवान के इलाके में चीन के कई ड्रोन्स देखे गए हैं। ताइवान डिफेंस अथॉरिटी के मुताबिक सितंबर में अब तक CH-4, WZ-7, BZK-007, BZK-005, KVD-001 और TB-001 ड्रोन की मौजूदगी देखी गई है। ये ड्रोन्स जासूसी और टारगेट अटैक में सक्षम है। रविवार को चीन के CH-4 ड्रोन ताइवानी इलाके में देखे गए। चीन में मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। चोंगकिंग शहर में COVID-19 को लेकर आइसोलेशन में रखे गए शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद चीन के स्वास्थ्य अधिकारी ने मंकी पॉक्स से बचने के लिए लोगों को विदेशी यात्रियों और हाल में विदेश से लौटे लोगों से संपर्क में नहीं आने की चेतावनी दी है। हालांकि चीनी अधिकारी के इस टिप्पणी को नस्ली और भेदभावपूर्ण बताते हुए सोशल मीडिया पर आलोचना की जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शिया समुदाय के जुलूस पर चरमपंथी इस्लामी समूह ने हमला किया। इस हमले में कम 13 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से कुछ की हालत सिर पर चोट लगने के कारण गंभीर बताई जा रही है। शिया समुदाय का जुलूस लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर सियालकोट के इमाम बारगाह जा रहा था। इसी दौरान पिस्तौल और पत्थरों से लैस लोगों के समूह ने मातम मनाने वालों पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार मामलों में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शहबाज समेत अन्य संदिग्धों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 50 बड़े मामले राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को लौटा दिए हैं। शहबाज, उनके बेटे और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हमजा शहबाज, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी जवाबदेही अदालतों ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को मामले वापस भेज दिए हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कल ब्रिटेन के दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे। अंतिम संस्कार में शामिल होने के साथ साथ शहबाज लंदन में रह रहे पूर्व पाकिस्तानी पीएम और बड़े भाई नवाज शरीफ से सेना प्रमुख की नियुक्ति पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा 19 नवम्बर को रिटायर होने वाले हैं। पाकिस्तान आर्थिक संकट से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए जो शर्तें रखी हैं, वो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में दरार ला सकती है। जुलाई महीने में पाकिस्तान ने IMF को आश्वासन दिया था कि वो चीन के साथ ऊर्जा समझौतों पर फिर से बात करेगा और चीनी बिजली उत्पादकों को ज्यादा भुगतान को कम कराने की कोशिश करेगा। SCO समिट के दौरान चीन और पाकिस्तान की मुलाकात हुई थी। अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार ने टिकटॉक और पबजी एप्लीकेशन को बैन करने का फैसला किया है। तालिबान के दूरसंचार विभाग के हवाले से बताया गया है कि सरकार ने अगले 3 महीनों के अंदर टिकटॉक और पबजी ऐप पर बैन लगाने का फरमान जारी किया है। पिछले साल तालिबान के हाथों में सत्ता की बागडोर आने के बाद से अब तक अफगानिस्तान में सैकड़ों वेबसाइट को ब्लॉक किया जा चुका है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।